मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। आइए देखते हैं इस वक्त की ताजा खबर। सहरसा जिला ब्यूरो गौरव कुमार चौधरी की रिपोर्ट। सहरसा जिले के माने जाने वाली अभिनेत्री उल्का गुप्ता ने सहरसा के सरजमीन पर किया एक दुकान का उद्घाटन। सहरसा जिले के माने जाने वाली फिल्म अभिनेत्री उल्का गुप्ता रविवार को देर शाम अपने पिता द्वारा नवनिर्मित ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन करने सहरसा के चांदनी चौक स्थित पहुंची, जहां उन्होंने फीता काट कर विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अब तक मेरे पिता ने काफी संघर्ष कर यहां तक पहुंचाया है, अब मैं भी इस मुकाम पर पहुंची हूं, जिसकी पहली कड़ी में आज ही ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन कर रही हूं, जिसके बाद मॉडलिंग के लिए भी कुछ सोचूंगी, जिससे कि सहरसा को विकसित की जगह मिल सके। फिर उन्होंने प्रेस वार्ता में अपने नए पुराने अनुभवों को शाहजहां किया। उन्होंने अपनी पूरी जीवन संघर्ष को बताते हुए बताया कि मुझे सीरियल एवं फिल्म की चाहत मेरे पिताजी से मिली और सबसे पहले किरदार 10 साल की उम्र में रेशम दान सीरियल से मिली। आगे चलकर इन्होंने बहुत सारी फिल्म और सीरियल में किरदार निभाया है और सबसे ज्यादा पहचान 2009 में झांसी की रानी सीरियल से हुई। तेलुगु, मराठी, हिंदी जैसी अन्य फिल्मों में किरदार निभाया है और जानकारी देते हुए मीडिया को बताया, आज मैं जो भी मकाम पर आई हूँ वह झांसी की रानी सीरियल एवं हमारे पिता गगन गुप्ता की प्रेरणा से मिली है। हमें भी एक उत्साह है इस बात को लेके कि उल्का गुप्ता और गगन गुप्ता के परिवार की तरफ से एक सैलून खुल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को काफ़ी आश्वासन भी है, काफ़ी ट्रस्ट है कि अगर हम सैलून ला रहे हैं तो किस लेवल का होगा, किस तरह लेवल की सर्विसेज होंगे, किस तरह का ब्राइडल मेकअप होगा। तो हम इस चीज़ का पूरा ध्यान देंगे कि सहरसावासी जो पार्लर सर्विसेज चाहते हैं वो उन्हें हाई क्वालिटी मिलेंगे दिल्ली और मुंबई के जैसे। हॉलीवुड में आए आपके पापा, बहुत संघर्ष। हाँ हाँ, पापा ने संघर्ष तो किया ही और अपने मुकाम को भी हासिल किया है। अपने मुकाम को हासिल करने के साथ साथ अपने बच्चों को भी काफ़ी प्रेरित किया है, काफ़ी संभाला है, सपोर्ट किया है। मेरे पापा ने मुझे, मेरे भाई, मेरी बहन को हर वो चीज़ करने दी है जो हमने चाहा है। एडवेंचर, पढ़ाई के साथ साथ हमें जो एडवेंचर करना है, स्पोर्ट्स करना है, मुझे एक्टिंग लेना था, मेरी बहन एक सिंगर है बहुत अच्छी, मेरा भाई एक बहुत अच्छा डायरेक्टर है, उसकी खुद की कंपनी है, वो एडिटिंग करता है। तो मुझे ऐसा लगता है हम जो भी आज कर पाते हैं वो अपने पापा के सपोर्ट की वजह से करते हैं। अभी कौन कौन फिल्म बना रहे हैं? अभी मैं हाल फिलहाल में हैदराबाद से शूट करके आ रही हूँ अमेजोन प्राइम वीडियो के एक सीरीज़ मॉडर्न लव के लिए, और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छे अच्छे साउथ के एक्टर्स के साथ काम करने मिला और मैं चाहूँगी कि मैं साउथ में और काम कर सकूँ तेलुगु इंडस्ट्री में। झांसी की रानी, हाँ आप सब जानते हैं मैंने झांसी की रानी किया था जब मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की थी। और हाँ जी, तो बस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज भी लोग मुझे झांसी की रानी और मनु के नाम से पहचानते हैं और बहुत गौरवान्वित। मैं साल से आपने इसमें, मेरे ख्याल से अब मैं 7 साल की थी तब से मैं इसमें हूँ, तो गिना ही नहीं। लक्ष्य क्या? लक्ष्य तो यही था कि मैं सच्ची, पता है लक्ष्य ना कभी कभार बनाए नहीं रखना चाहिए, वही करते रहना चाहिए जो आपको पसंद है। जैसे मुझे एक्टिंग करना पसंद है, डांस करना, गाना अच्छा लगता है, ऐसे एंटरटेन करना, बात करना अच्छा लगता है, मैं वो करती रहती हूँ। अब पता चला यार मैं तो एक्ट्रेस बन गई, ऐसा है। हमेशा से ही एक एंटरप्रेन्योर यानी कि एक बिजनेस वूमन बनना चाहती थी, बट उसकी शुरुआत मेरे पापा ने कर दी। मैं बहुत खुश हूँ, अब नाम में ही गुप्ता लिखा है तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे है हमारा सैलून, अभी सहरसा से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे, इसका नाम है द ब्यूटी स्टूडियो और सारे प्रोफेशनल सर्विसेज हैं यहाँ पे। ज़रूर